आज हम लोग वापस से इंग्लिश पढ़ने जाएंगे। इंग्लिश में हम लोगों ने अ से अंग तक क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था, ए से अ, डबल ए से आ। अब हम क से पढ़ने जाएंगे कि के से क, क से लेके अंग तक। देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट के टू एन जी, एन जी से क्या होता है अंग, क से अंग तक। उसके बाद हम अपनी कॉपी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, साइन मार्जिन डाल देंगे और डेट डाल देंगे। सबसे पहले हमारा क्या है क, तो देखिए यहाँ के से क, के लिखा हमने यहाँ और क कहाँ लिखेंगे, ये जो बीच वाला है स्पेस बचा रहता है इतना, वो उसमें लिखेंगे क, क लिख लिया हमने। अब क्या है हमारा ख, के एच से ख, के एच से ख, सारे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे हम, के एच से ख। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा ग, जी से ग, जी से ग, ग लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है हमारा घ, तो जी एच से घ, जी एच से घ, घ लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है हमारा अंग, एन जी से अंग, एन जी से अंग, अंग के नीचे एक छोटा ड लिखते हैं ना हम लोग, ड के नीचे क्या करते हैं छोटा सा बिंदी डाल देते हैं। अब हम क्या, अब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास आपको, ये एक लाइन जो है हमारा इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, ताकि कॉपी हमारा सुंदर दिख सके। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसी चीज को वापस लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे थर्ड लाइन से, फिर फर्स्ट लाइन लिखा हमने, फिर ये वाला लाइन हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से लिखेंगे के से क, एच से ख, जी से ग, जी एच से ख और एम जी से अंग, ये हो गया हमारा। फिर हम इसी चीज को कंटिन्यू क्या करेंगे, फिर हम ये लाइन छोड़ेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। क से ज्ञ तक आज हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, च छ ज झ, ठीक है, सी एच से छ पढ़ेंगे। तो इस चीज को पहले आप कॉपी में अपने अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे हैंड राइटिंग में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।